कासगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी और भरगन नगर अध्यक्ष बदरुल हसन खान तथा अन्य भरगन वासियों ने भरगन से बम्बा होते हुए दरियावगंज जाने वाली सड़क की मरम्मती के लिए आज धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन अनोखा था। अनोखा इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सरकार का ध्यान खराब पड़ी हुई सड़क की तरफ आकर्षित करने के लिए एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। भैंस के ऊपर पीडब्ल्यूडी विभाग का एक पोस्टर लगा हुआ था, जिससे यह दिखाने की कोशिश की गई कि भैंस के रूप में पीडब्ल्यूडी विभाग है और जनता उसके आगे बीन बजा रही है। जनता की तरफ भी एक पोस्टर था जिस पर जनता लिखा हुआ था। इससे यह दिखाने की कोशिश की गई कि जनता बार बार अपनी बात कर रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। एक पुरानी कहावत भैंस के आगे बीन बजाने को आज प्रदर्शनकारियों ने चरितार्थ किया और सरकार को संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के विभाग कान और आँख मूंद कर बैठे हैं, जिस पर जनता की मांगों का कोई असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्ति अभियान चला रही है। यह अभियान 15 नवंबर 2022 तक चलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएगी, परंतु कासगंज और एटा की सड़कों की स्थिति देखें तो सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। भरगन से दरियावगंज जाने वाली सड़क सरकार के गड्ढा मुक्ति अभियान की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। यात्रियों को इस सड़क पर सफ़र करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले 8 साल से इस सड़क की मरम्मती नहीं हुई है। कई बार हम इस सड़क की मरम्मती को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। इस सड़क की दूरी करीब 5 किलोमीटर है और यह दूरी तय करने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर किसी महिला को डिलीवरी हो और उसे मेडिकल सहायता के लिए पटियाला या कासगंज जाना पड़ा तो इस सड़क से जल्दी पहुँचना नामुमकिन होता है। प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्ति अभियान चला रही है 15 नवंबर तक। अभी तक ये रोड जो भरगन से दरियागंज जाती है 5 किलोमीटर की रोड है, अभी तक ये गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। पहले भी हमने यहाँ प्रदर्शन किए थे, धान लगाए थे और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। कई महीने बीत गए लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो हमारे भारत में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो भैंस एक तरह से बन चुका है। भैंस रूपी पीडब्ल्यूडी विभाग के आगे आज हमने बीन बजाया है और जूं तक नहीं रेंग रही है। 5 दिन रह गए हैं गड्ढा मुक्ति अभियान के। कब ये सड़क जो है गड्ढा मुक्त होगी? तो हमारी कासगंज प्रशासन से, शासन से, माननीय योगी जी से यही दरखास्त है, यही प्रार्थना है कि इस सड़क को जल्द से जल्द जो है गड्ढा मुक्त किया जाए। यही सड़क है और भी कुछ सड़कें हैं पटियाली क्षेत्र में? अब बहुत सारी सड़कें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भरगन से जो दरियावगंज सड़क जा रही है बहुत जर्जर है। 8 साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। जब मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, पुलिस इमरजेंसी हो जाती है या कोई और इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द बननी चाहिए, क्योंकि भरगन ही नहीं आसपास के गाँव भी जो है इससे प्रभावित हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।